बॉन्ड हो सकता है अगर ये रोमांटिक साइड नहीं जाता है। इनिशियली जब अविनाश आया था मुझे ऐसा लगा था कि ये इकलौता होगा जो मुझे बिल्कुल भाएगा नहीं। जब आप किसी को नया नया पसंद करते हो तो आप खुद ही अनश्योर होते हो कि मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको नहीं करता हूँ, मैं इसको इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। क्या लगता है दोनों का बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, क्या दोस्ती से कुछ ज़्यादा है? या जिस तरह से कल एक घर के अंदर कोई आया था और उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं दोनों की दोस्ती कुछ उससे कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अविनाश कुछ जाते हैं अपनी फीलिंग कुछ कन्फेस करते हैं वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पे ईशा उन्हें रोक देती है कि नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं। दिख रहा है ये सब दिख रहा है और क्यूट लग रहा है मेरे को जेन्युइनली अविनाश। इनिशियली जब अविनाश आया था मुझे ऐसा लगा था कि ये इकलौता होगा जो मुझे बिल्कुल भाएगा नहीं, बट देन आई रियलाइज दैट इट वॉज हिज गेम स्ट्रैटेजी एंड अभी तो अविनाश इज लुकिंग वेरी क्यूट। सोशल मीडिया पे ऐसी और भी खबरें हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि उनकी एक कोई गर्लफ्रेंड है बाहर, और जब इंटरव्यू के दौरान जब वो आते हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक ही का नाम आया, मैं तो 4-5 वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने कहा ना इज़ वेरी गुड एट हैंडलिंग, अविनाश इज़ ऑल्सो वेरी मेच्योर, दिमाग वाला लड़का है और नो डाउट वो बहुत क्यूटली जाके ईशा से बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों खुद ही, जब आप किसी को नया नया पसंद करते हो तो आप खुद ही अनश्योर होते हो कि मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको नहीं करता हूँ, मैं इसको इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ, मैं ना बढ़ाऊँ। बट आई कैन सी कि दोनों एक दूसरे के लिए केयर बहुत करते हैं विच इज़ अ नाइस थिंग। आगे कुछ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है आई डोंट नो, एंड इफ अविनाश हैज़ अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड तो फिर तो नहीं बढ़ना चाहिए एंड आई डोंट नो अबाउट दैट, इट्स देयर पर्सनल लाइफ। बट क्या लगता है आपको कि बड़ा ईजी सा हो गया नाउ डेज ऐसा कि अगर आप किसी के साथ में उठेंगे बैठेंगे अगर, या तो फिर आप लव एंगल बनाने का ट्राई करेंगे या तो फिर एक उस पॉइंट को अगर वैसे आप बिग बॉस या इन जनरल कह लें, चाहे हम इन रियलिटी शोज़ कह लें कि अगर आप उनके साथ में एक बॉन्ड बनाएंगे या तो फिर आप ज़्यादा लबी डबी वाली बातें करेंगे तो शो में ज़्यादा दिखेंगे, और कहीं ना कहीं ये जो घर के अंदर जो हो रहा है वो क्या लगता है आपको, क्या वो एक गेम के लिए हो रहा है या दोनों की जो फ्रेंडशिप जो है वो जेन्युइन है? क्योंकि लोग जो है, जो ऑडियंस जो है, जो ट्विटर पे लोग हो गए चाहे सोशल मीडिया पर हो गए, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एक लड़का जो है वो फीलिंग कन्फेस करता है, दूसरी बंदी जो है वो कह देती है हम सिर्फ दोस्त हैं। ये तो बहुत ही आपने मतलब डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लिया है बिकॉज ये बहुत परस्पेक्ट मतलब ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। डेफिनेटली मैं तो आजकल के मतलब मैं आई एम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स पर्सन जेन्युइनली, मुझे आजकल के डेटिंग कल्चर ऐसा लगता है कि क्या है, मिले बात करी ओके देन दे थिंक कि थिंग्स कैन गो, फिर एक लड़ाई होती है, दोनों की ईगो आती है एंड देन फिनिश। आजकल के ज़माने में अगर आप बिग बॉस के बाहर बात करो तो लोग बात करके राजी नहीं है, बिग बॉस में बॉन्डिंग बनती है क्योंकि कहीं वो जा नहीं सकते, वो एटीट्यूड और ईगो दिखा के किसी को घोस्ट नहीं कर सकते कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। तो रही बात अविनाश और ईशा की, आई थिंक दे बोथ, वो होता है ना समटाइम्स जब आपको फिगर आउट नहीं हो रहा होता कि आप व्हाट इज़ हैपनिंग, जब व्हेन पीपल फॉल फॉर ईच अदर वो एक स्टेज आता है, तो वो दोनों उस स्टेज पे है जहाँ पे आई थिंक दे बोथ विद देयर माइंड आर सेइंग दैट नो, बट समवेयर डाउन द लाइन दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर केयरिंग फॉर ईच अदर। आई वुड नॉट से कि रोमांटिक वाली साइड अभी कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बट मुझे एक बहुत ये बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत अच्छा बॉन्ड हो सकता है अगर ये रोमांटिक साइड नहीं जाता है। नहीं रोमांटिक साइड नहीं, अगर क्या ये दोस्ती है या सिर्फ कैमरे के लिए हो रहा है, बाद में गेम खत्म हो फिर ये कई सारी दोस्तियाँ और ऐसी मंडलियाँ टूट जाती हैं। नहीं नहीं आई डोंट थिंक कि ये कैमरे के लिए हो रहा है, कोई 24 आवर्स कैमरे के लिए नहीं कर सकता। मैंने देखा है मेरे दोस्त रहे हैं ऐसे जो सिर्फ दोस्ती में मेरे लिए बहुत केयर कर रहे हैं और मैं उनके लिए बहुत केयर करती हूँ, तो होते हैं ऐसे बॉन्ड, तो मुझे वो बॉन्ड दिखता है कि दोनों एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। अब वो रोमांटिक साइड जा रहा है नहीं जा रहा है वो दोनों खुद फिगर आउट करें, बट आई डोंट थिंक कि कैमरा के लिए कर रहे हैं कि कैमरा है तो फुटेज मिलेगा इस चीज़ को, कर भी रहे हो तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यार, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है दे केयर जेन्युइनली फॉर ईच अदर और ये अच्छा बॉन्ड है।